हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू सी रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने आलू को बॉईल करके रख लिया है और इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा, इसे अच्छे से मैश कर लें, इसमें लम्स ना रहे, एकदम स्मूथ इसे मैश करें। तो अच्छे से मैश कर लिया है, तो इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, आधी चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स, और जीरा पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच भुना हुआ, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इससे टेस्ट इसके अकॉर्डिंग, और इसमें डाल देंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती, कॉर्नफ्लावर डाल देंगे इसमें दो चम्मच, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेंडिंग होगा और क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसे अच्छे से गूँथ लें, जैसे आटा हम गूँथते हैं, तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे आटे की तरह गूँथ लें, इसे आटे के डो की तरह। तो ये देखिए, मैंने गूँथ लिया है इसे अच्छे से, और इसी तरह से हम इसका बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, हाथों में एक पेड़ा लें और इसे इस तरह से शेप दें, और तो ये देखिए इस तरह से बना लें इसे। तो इसे कट करेंगे, जितना साइज आपको बड़ा छोटा चाहिए वो साइज इसका काटें। और ये देखिए, मैंने अच्छे से इस तरह से काटा है इतने साइज का। तो इससे फोक से इस पर इस तरह से दबा के इस पर डिजाइन कर ले, इसे बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसे हम तल लेंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें तेल डाल दिया है 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे हम इसमें डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो, और लो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए, एक साइड का हमारा गोल्डन हो जाए तो इसे दूसरे साइड से पलट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पलट लें। तो एक साइड का हो गया तो इसे पलट लेंगे, तो इसी तरह से। तो ये देखिए, मैंने पलट लिया है, और अभी दूसरे साइड से भी हमें इसी तरह से पका लेना है गोल्डन होने तक। तो ये देखिए, ये हमारा नाश्ता बनके तैयार है। इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, और इसी तरह से हम बाकी का भी बना लेंगे। तो ये देखिए, इसमें डाल देते हैं और सेम तरीके से ये भी बना लेंगे। तो हमारा नाश्ता बनके रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए, तो ये देखिए, मैंने सर्व किया है, और बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है डीजी, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे केचप और चटनी के साथ खाएं। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो इसे इस तरह से केचप के साथ खाएं। और तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।